तमाम पब्लिक स्कूल से आए हैं लोग. कैसा लग रहा है कॉन्सर्ट? इट्स अ गुड वन. हर साल होता है ना ये? यस. आप लोग हर साल बच्चों को लाते हैं? करेक्ट. बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं? बिल्कुल एंजॉय करते हैं. थोड़ा सा बता दें कि ये ऑर्गेनाइज कैसा हुआ होता है? अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ हुआ होता है? इट्स वेल ऑर्गेनाइज प्रोग्राम बट there are many things to be done for the children and it is a very beneficial program for the benefit of the handicapped rather and we are very pleased that you have taken our initial steps and good step for the benefit of handicapped. Aapke school mein bacche kaun se hain? Senior to junior to senior. Aur kab khatam hoga concert? I don't have an exact idea, but it might be take 1 o'clock. Enjoy the concert. Thank you for speaking to us. जी नाज़रीन, इसे हम बात कर रहे थे. मुझे नहीं पता अगर आप लोगों को आवाज़ आ रही है, लेकिन ये कह रहे थे थम्स अप कुछ है. क्यों ना जाते जाते अनवर भाई का ढोल भी सुनते हुए जाते हैं, वो भी डबल. हम लोग इस वक्त है FESF के 12th एनुअल चिल्ड्रंस बेनिफिट कॉन्सर्ट पर. जिस तरह हमने आपको बिगनिंग ऑफ द शो बताया था, हमारे बहुत स्टार परफॉर्मर सलीम जावेद हैज़ फिनिश्ड हिज राउंड ऑफ ऑल द सॉन्ग्स. जुगनी के साथ उन्होंने अख्ताम किया. मैंने और सानिया ने जुगनी पे बड़ा मज़ा किया. और अब हमने आपको कहा था कि अगर हमें मौका मिला तो हम सलीम जावेद से आपकी मुलाकात कराएंगे और उनसे पूछेंगे उनको कैसा लगा इन मासूम बच्चों को इंटरटेन करते हुए. और सलीम यहीं पर हैं, वो थोड़ा सा ही इज़ कैचिंग हिज ब्रेथ. ऑब्वियसली ही इज़ ब्रेथलेस, इतनी देर से ही इज़ बिन हॉपिंग अराउंड. लेकिन बहुत लंबा और राउंड बड़ा राउंड ऑफ अपलॉज था उनके लिए और उनके पूरे बैंड के लिए, ढोल वाले के लिए. और हम सलीम से थोड़ी सी बात करेंगे, सलीम साहब से, और हम इनसे पूछेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा था, क्योंकि हमने एज द ऑडियंस काफी एंजॉय किया था बहुत ज्यादा. और मुझे पता नहीं हम लोग क्या बोल रहे थे थ्रू आउट अपने. हाँ, लग रहा है आप लोगों को आवाज़ आ रही हो, वो थोड़ा सा पानी पी रहे हैं. हमारे पीछे फैजान हक हैं इस वक्त, जो कि इंट्रोड्यूस करा रहे हैं. और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस मंच पे आएंगे. मैंने स्टेज से उतरती, आप लोगों ने कहा कुछ बताएं. हाँ. तो मैंने कहा थोड़ा सा सांस लेने दे, क्योंकि मैं एक घंटे से परफॉर्म कर रहा था यहाँ पे. और सलीम साहब, फर्स्ट थिंग, ऐसा कॉन्सर्ट बहुत कम होता है और आपको इन ऐसे मासूम शख्सियतों को, बच्चों को इंटरटेन करते हुए कैसा लगा? अच्छा, एक तो ये कॉज जो है ये चैरिटी शो है और ये साल में एक मरतबा करते हैं, और ये मेरे ख्याल लोग भी ठीक हैं, ये जेन्युइन है. और मैं एक मरतबा लास्ट ईयर भी मैंने परफॉर्म किया था यहाँ पे, ये 2 साल पहले. और आज फिर मुझे कहा, लास्ट ईयर भी बोला गया था, मैं मुल्क से बाहर था, मगर इस मरतबा मुझे जब कहा है, और यहाँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आया हूँ, यानी मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं बच्चों के लिए और इस चैरिटी शो के लिए. ज़्यादा लोग एक चीज़ मुझे बताएं, आप हैं, एक दो लोग और हैं यहाँ पे जो गाने आए हैं, ज़्यादा लोग जो उन्हें जो लोग होते हैं ज़्यादातर वो इसके लिए आना, मतलब उनके लिए बस टाइम नहीं होता या बिज़ी होते हैं, ज़्यादातर इंटरेस्ट शो नहीं करते. आपको लगता है ऐसा कि या देखें, अब मैं उनकी बात तो नहीं कर सकता, मैं अपने लिए कहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, मैं इस काबिल नहीं था. जितनी शोहरत, जितनी इज़्ज़त, जितना सब कुछ मुझे मिला है, मैं इसके लायक नहीं था. और ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुआ है. नहीं, बिल्कुल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मखलूक हैं, उसके जो लोग हैं, आपको पैदा किया है ना, तो आवाज़ ही तो दी है अल्लाह ने, ये आवाज़ आपको लाखों लोगों में एक किया है. तो जब इस कॉज के लिए जब आप काम करेंगे, आपके काम में निखार आता है, बरकतें मिलती हैं, और आप सेहतमंद रहते हैं, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, यहाँ हमारे स्पेशल बच्चे भी थे, आपने देखा होगा, सब इंजॉय कर रहे थे. जब आप इनको खुश करेंगे,
इनको खुश करने का मकसद ये कि आपने अल्लाह को खुश किया, अल्लाह को राजी किया। बिल्कुल। और कुछ जिम्मेदारियां अल्लाह ने आयद की हैं हम सब पे, जो हम सब। सलीम साहब, एक चीज तो मैं गारंटी, आई एम सॉरी, आपका ज्यादा टाइम हम लेंगे नहीं, आप थके हुए भी हैं, यू नीड टू गो। लेकिन हम ऑडियंस में जब थे, अभी तो हम अभी स्टेज पे आए, तो बच्चे बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और जुगनी का तो हर कोई वेट कर रहा था, और जैसे वो आए सब खड़े हो गए। यू विल सी, छोड़ दिया था उस वक्त, छोड़ दिया था। हम आइए के साथ और ओए के साथ सब कर रहे थे। आपका फेवरेट है आइए, बहुत जी। हमारे शो पे जब आए थे हमने इम्पर्सनेट किया था इनको। अच्छा नाजरीन, हमारे साथ सलीम, एक कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहें बच्चों को? बच्चों के लिए मैं, बच्चे तो माशाल्लाह हैं, बहुत अच्छे हैं, मगर मैं ये कहूँगा ये हमारे माशरे का हिस्सा हैं, हम में से ही हैं। आप शुक्र अदा करें कि आपके बच्चे, आपके बहन भाई सलामत हैं, बिल्कुल सही हैं। जो स्पेशल, जिनके लिए अल्लाह ने इम्तहान ले लिया, जिन पेरेंट्स से, आप उनके साथ इस तरह से पेश आएँ कि उनको फील ही ना हो कि उनमें कोई कमी है। उनकी हेल्प करें, हेल्प करेंगे, उनकी हेल्प नहीं करते, आप अपनी हेल्प करते हैं। बस ये मैसेज। ठीक है सलीम साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच करने के लिए। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे और सारे हमारे आर्टिस्टों को तौफीक दे कि वो इस किस्म के काम करें। जी नाजरीन, सलीम जावेद से आपकी मुलाकात हमने करा दी, लेकिन इसको, इस पूरे इवेंट को एक बंदा 12 साल से होस्ट करता आ रहा है। बहुत बड़े वीजे हैं, इनकी वॉइस ओवर साथ अपने मुख्तलिफ चैनल्स पे, मुख्तलिफ रेडियो स्टेशन पे सुनते रहते हैं, करते हर चीज़ करते रहते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं फैजान। अस्सलाम वालेकुम फैजान, हक कैसे हैं आप? जबरदस्त, कैसा लग रहा है आपको यहाँ? मैं बहुत सालों से यहाँ आ रहा हूँ और आई रियली लुक फॉरवर्ड टू दिस इवेंट। हर साल सुबह के 9 बजे उठने का ड्राइव क्या है इतनी बड़ी 12 साल तक करने की? ये ड्राइव कुछ नहीं है, ये कोई खास, ये मेहनत तो नहीं है, यू नो, इसमें तो मजा आता है। वी रेयरली गेट टू परफॉर्म अ शो इन फ्रंट ऑफ 5000 पीपल, इतनी बड़ी ऑडियंस सिर्फ यही मिलती है, जेन्युइन ऑडियंस जो एंजॉय कर रही है। वरना हम नॉर्मली अवार्ड शोज में बैठे होते हैं, सब तमीज से बैठे होते हैं, बट दीस किड्स, द 5000 ऑफ देम, दे गो नट्स, यू नो, एंड इट्स अ जॉय टू परफॉर्म हियर। लास्ट ईयर शाजिया खुशक वाज हियर एंड यू वुडंट बिलीव हाउ दीस गाइस वेंट मैड, यू नो। अच्छा मुझे बताएं, इतने सालों से कर रहे हैं फैजान, जब शुरू किया था तब से लेके अब तक, ऑब्वियसली अब अब्दुल का हिस्सा बन चुके हैं इसका, कितना डिफरेंस आया है? बेहतर हुआ है, ग्रैंड हुआ है? या आपको पहले कॉन्सर्ट का बताऊँ, 100 लोग थे, 100 लोग और वो रिचर्ड गेरी के बैकयार्ड में हुआ था, उसमें 100 लोग थे। अगले कॉन्सर्ट में 300 लोग थे, उसके बाद किसी ने जगह दे दी तो उससे थोड़ा सा बड़ा शो हो गया, और पिछले साल आई थिंक 4500 थे, इस साल 5000 हैं। सो यू नो इट्स अ ग्रोइंग थिंग। तो कोलैबोरेशन किससे होती है, कौन करता है, मतलब किस, क्या ये आईडिया था? और दिस इज FESF ना? हां या एंड अच्छा, उन्हीं और ये लोग डिफरेंट स्कूल्स खोलते हैं पाकिस्तान भर में, पहले उन्होंने अपने घर में खोला, उसके बाद यू नो कुछ रूरल एरियाज में खोला। फैजान, इफ यू नो एनीथिंग अबाउट देम, अगर कुछ लोग देख रहे हैं, दे वांट टू कंट्रीब्यूट टू इट, कुछ देना चाहते हैं, हाउ शुड दे गो अबाउट इट? वेल आई थिंक यू शुड ask Richard Gary about that. I'm not the person who should be talking about that in. I come in once a year, they're there every day. अच्छा मुझे कुछ ऐसा मुलाकात करवाता हूं उनसे, you must interview him. एक चीज बता दें about the organizational skills, इतने सारे volunteers, ever since we've come, यहाँ इतना शोर था, हम ज्यादा बोल नहीं सके, बट सारे ऑरेंज क्लैड आप लोग देख रहे हैं, वो volunteers हैं यहाँ पर, जो बच्चों को you know, they're managing the kids as well, और वो टीचर्स की हेल्प कर रहे हैं over the years. पूरे अच्छा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं ना चीजों को, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी इस मामले में, पाकिस्तानी ऑडियंस अच्छी है। मतलब ब्रिटिश राज के दौरान 25,000 थे और वो सब, उन्होंने सब कुछ संभाला हुआ था, यू नो, तो दे वेरी ऑर्गेनाइज्ड, दीस गाइस आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड। हमारे ही लोगों से, जिस तरह से ये लोग काम लेते हैं, ज्यादा सिंसियर नहीं लगते मुझे? मुझे लगता है ज्यादा सिंसियर है। 24 साल से अमरीका में अपनी वो लाइफ छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं और यहीं पर अपने बच्चों को भी इसी काम में लगाया हुआ है। इनके सारे जो बच्चे जो स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे वो इनके बच्चे हैं, अपने बच्चों को इन्होंने इस काम में इन्वॉल्व किया हुआ है, और सारे बच्चे, इनके 3 साल का बच्चा भी वही काम करता है जो कि इनका 25 साल का बेटा करता है। अच्छा फैजान, ये सब तो पूछ लिया, मुझे बताएं आप क्या कर रहे हैं आजकल, वैसे क्या चल रहा है आजकल? मैं स्टाइल 360 में आजकल एज क्रिएटिव हेड काम कर रहा हूँ, तो उनकी पैकेजिंग, उनकी ग्राफिक्स, उनके स्क्रिप्ट वगैरह देखता हूँ, और इट्स अ डे जॉब एवरी डे, यू नो, एट द सेम टाइम होस्टिंग थिंग्स लाइक द एंग्रो अवार्ड्स, लाइफस्टाइल अवार्ड्स, एक्सीलेंस अवार्ड्स, यू अवार्ड्स आई जस्ट होस्टेड, हम लोगों ने वो कवर किए थे एक दिन पहले जब एंग्रो के होने वाले थे वो अवार्ड्स, एक हायर ऑफिशियल हैड कम एंड ही वाज टेलिंग अस अबाउट द एक्सीलेंस अवार्ड्स, और आई थिंक जिस तरह का ये चल रहा है सोशल सर्विसेज में और ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए, इन लोगों का नाम भी जाना चाहिए एक्सीलेंस अवार्ड, बिल्कुल जाना चाहिए। आई मीन देयर इज प्रूफ ऑफ देयर वर्क, देयर मेनी एनजीओस डूइंग समथिंग दैट वी डोंट नो अबाउट, बट दिस इज विजिबल, दिस इज ग्रोइंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी एवरी ईयर,
And I absolutely adore their efforts. Yeah. Thank you so much, Fazan Haq. Brilliant to have you here. And this is a brilliant cause. And Allah aapko bahut lambi zindagi de. Great to see you guys. And good luck with your show. Kamyabiyan de. Bahut saari Allah. Thank you very much. Hame is waqt secrecy ke saath break pe jana hai. Aap log dekh rahe hain Chai Time ka special episode jahan hum cover kar rahe hain 12th annual FESF Children's Benefit Concert. Don't go anywhere. Main aur Saniya bhi wait kar rahe hain. Kaun aane wala hai? Kahin mat jaye. Come right back.